हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आसिफ एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आसिफ। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू दैट नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू राइट फार्मूला इन एक्सेल। फॉर राइटिंग फार्मूला इन एक्सेल वी हैव टू राइट इक्वल टू साइन ऑन बिफोर ऑफ एवरी फार्मूला। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होगा कि सर्च पैटर्न पे जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च करेंगे एक्सेल 2013। ये मैंने सर्च किया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारा विंडो खुल रहा है बच्चों। ये देखो एक्सेल का विंडो खुल रहा है, खुल गया। इसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट वर्कबुक में हम लोग जाएंगे, ब्लैंक वर्कबुक ओपन होगा। ये देखो बच्चों ओपन हो रहा है। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है वर्कबुक। नाउ अब हम लोगों को सबसे पहले जो बनाना है एक्सेल में, थोड़ा हम इंक्रीज़ कर दिए हैं साइज़ को सेल का, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे बच्चों। नाउ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, सपोज़ कोई रिज़ल्ट हमें बनाना, तो हम लिख लेते हैं डेमो पब्लिक स्कूल। कोई भी स्कूल का नाम जिसके लिए आप रिज़ल्ट बनाना चाहते हो ऊपर में लिख लेंगे टाइटल में, क्या डेमो पब्लिक स्कूल। इसका अलाइनमेंट वगैरह, सेंटर वगैरह आप पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेना इस तरह से। अभी तो स्टार्टिंग में इसलिए हम थोड़ा सा सेलेक्ट कर दे रहे हैं, मर्ज एंड सेंटर कर दिया मैंने। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सारा जो कॉलम का नाम है हेडर है वो सारा लिख लेंगे, सीरियल नंबर, रोल नंबर, देन नेम, देन क्लास, देन सेक्शन, देन मार्क्स लिख लेते हैं हम लोग सारा, जो भी मार्क्स होगा है ना। सबसे पहले इंग्लिश लिख लेते हैं, देन हिंदी लिख लेते हैं। देखिए स्क्रीन में ध्यान से बच्चों, फिर मैथ्स लिख लिया मैंने, उसके बाद हिंदी का स्पेलिंग गड़बड़ होगा तो आप फार्मूला बार में एफएक्स में जाके सेट कर सकते हो। एच लिख दिया कैपिटल मैंने अच्छा लगने के लिए। साइंस लिख दिया मैंने और राइट एस एस टी लिख दिया मैंने। नाउ आफ्टर दैट टोटल मार्क्स हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमने टोटल लिख दिया। टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमें सारे बच्चों का, तो परसेंटेज लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इंक्रीज कर लिए विड्थ को। उसके बाद हमें ग्रेड अगर निकालना है तो ग्रेड लिख लिया हमने। नाउ फिलअप कर देते हैं सारे डेटास को, सिंपल है डेटा फिल करना। 1, 2, 3, 4, 5 इसको हम ड्रैग करके भी कर सकते हैं बच्चों। ये देखो अभी मैं करूँगा, 1 लिख दिया मैंने, और ये देखो 2, 3, 4, now 5 लिख दिया मैंने। नाउ नेम में कुछ भी आसिफ लिख दिया हम, उसके बाद कोई भी नाम लिख सकते हैं आप, अमित लिख दिया मैंने, आकाश लिख दिया मैंने। आप भी अपने से ऐसे ही प्रैक्टिकल करोगे अपने अपने लैब में, अपने अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप्स में, पीसीज में। अतुल लिख दिया मैंने, ये 5 नाम हो गया। 5 स्टूडेंट के लिए मैंने रिज़ल्ट बना रहा हूँ ना। क्लास हम ले लेते हैं सपोज़ 9C ले लेते हैं, कोई एक सेक्शन भी लेना ही होगा हमें। ये देखो हम ड्रैग कर सकते हैं, प्लस का साइन आएगा कॉर्नर में, इसको खींच दोगे तो ये ड्रैग हो जाएगा, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है 9 को। सी में भी ऐसे ही ड्रैग करेंगे, प्लस का साइन कॉर्नर सेल में आएगा। देखिए इसको ड्रैग कर लेंगे हम लोग, सी आ गया। कुछ भी मार्क्स लिख दे, अब हम लोग मार्क्स लिख देते हैं। ये मार्क्स लिख रहे हैं हम बच्चों, ये सारा मार्क्स को इसी तरह आप बढ़िया से लिखते रहें बच्चों। सारे मार्क्स को लिख ले, 48, 38 जितना भी आया उसको लिख ले, जनरल है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न दिस, एंड दिस टॉपिक इज़ यूज्ड इन 9th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, ये सारे में दिया हुआ है। ये अगर इसी चीज़ को हमको राइटर में करना है तो बस राइटर में ओपन करेंगे और राइटर में भी चला सकते हैं। ये हमारा एक्सेल का प्लेटफॉर्म है बच्चों,
बस उसमें भी यही फॉर्मूला यही तरीके से हम लोग करते हैं, ये लिखते जा रहे हैं हम लोग। नाउ हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हम लोग को काउंट करना है। इसमें बेसिकली हम लोग पांच फार्मूला का यूज़ करेंगे, 5 to 6 फार्मूला का स्टूडेंट्स। इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को दिखाने के लिए, है ना। ये देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने दिखा दिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू, कोई भी फार्मूला में इक्वल टू साइन यूज़ होता है। अभी रुक जाएंगे हम लोग, पहले पूरा कॉलम बना लेंगे। पहले मैक्स लिख लिए मैक्सिमम मार्क्स के लिए, उसके बाद नीचे में हम लोग लिख लेंगे मिनिमम मार्क्स। एम को कैपिटल कर लेते हैं, मिनिमम के लिए MIN लिख लिए मिनिमम। नाउ अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है फार्मूला वगैरह, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। नाउ ध्यान से देखो, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे बच्चों, टोटल। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आता है, इक्वल टू साइन लिखना ही पड़ता है कोई भी फार्मूला से पहले। सम, सम लिखेंगे, ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट ध्यान से देना बच्चों। ब्रैकेट देने के बाद देखिए कॉलम जो है F, इंग्लिश का मार्क्स F4 में उसको सेलेक्ट करना, फिर कॉलन देना, फिर ये आएगा ऑटोमेटिक, इसको डिलीट कर देना F4 फिर से, और फिर जहाँ लास्ट है SST मेरा लास्ट है उसको टच करना, सेलेक्ट करना, तो वो J4 सेलेक्ट होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड देन प्रेस एंटर। यानी F4 से लेकर के J4 के बीच में मेरा पांचों सब्जेक्ट का मार्क्स का टोटल निकल जाएगा। ये फार्मूला, फार्मूला देखने के लिए आप FX में टच करोगे तो ये फार्मूला F4 से J4 वाला दिख जाएगा, मतलब जो सेल है तुम्हारा K4 उसमें टच करोगे तो फार्मूला बार में दिखेगा। अब इसको सारे को अगर निकालना है तो बहुत ईजी है बच्चों, हम लोग ड्रैग कर देंगे सबका टोटल निकल जाएगा। कॉर्नर में देखो एक पॉइंट आ रहा है, उसको पकड़ के खींच देना है। ये देखो मैं भी ड्रैग करके ड्रैग कर दिया मैंने, ये देखो आ गया सारे का टोटल। सिमिलरली अगर परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हम फिर फार्मूला लगा देंगे एवरेज। एवरेज का फार्मूला लगा देंगे, इक्वल टू लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे बच्चों, ब्रैकेट देंगे, उसके बाद फिर वही सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। F4 से लेकर के कहाँ तक है, J4 तक। F4 कॉलन, J4 कॉलन जरूर दोगे बच्चों, ठीक है, कॉलन दे करके J4 लिख देना, मैनुअली लिख देना तो और अच्छा रहेगा, ठीक है, इंटर कर दो। ये देखो 73.2% आ गया। अब सिमिलरली इसको भी ड्रैग कर देंगे हम लोग जो कॉर्नर पॉइंट है सेल का देखते हुए। ये देखो सिंपल, वेरी सिंपल, देख लिए बच्चों। नाउ अब हम लोगों को निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब काउंट करना है। हमने दो फंक्शन पढ़ लिया, एक सम पढ़ लिया, एक एवरेज पढ़ लिया, अब हम लोगों को काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जब भी काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे तो याद रखना बच्चों, जहाँ पे नंबर होगा कॉलम में उसी में काउंट फंक्शन काम करेगा, कैरेक्टर वाले स्ट्रिंग वाले पार्ट में काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो बच्चों आपका B4 से लेकर के हमारा कहाँ आएगा, पूरा आपका B4 से लेकर B8 तक आ जाएगा पूरा। तो ये काउंट करके हमें बता देगा कि क्या है। ये देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है मेरा, 5 है, आ गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था, 5 आ गया हमारा। नाउ सिमिलरली मैक्सिमम निकालना है अगर हमको, तो मैक्सिमम निकालने के भी लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू मैक्स लिखेंगे। मैक्स लिखने के बाद हम लोगों को करना क्या होगा, फिर वही लिखेंगे फार्मूला यहाँ F4 हो जाएगा, F4 से लेकर के F8 तक लिखेंगे। ये देखिए ये कैलकुलेट हो रहा है फार्मूला, F4 से हमारा F8 ये कैलकुलेट हो जा रहा है। ये टोटल में मैं जो भी मैक्सिमम मार्क्स है 87 देखो दिखा दिया बच्चों। मिनिमम फिर इक्वल टू मीन लिखेंगे, फिर हम लोग को कहाँ से लिखना है, F4 से लेकर के F8 फिर से लिख दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये जो मिनिमम मार्क्स है इंग्लिश का वो शो कर दिया हम लोगों को। अब सबका देखना है तो इसको ड्रैग कर देंगे मैक्सिमम वाला को परसेंटेज तक, और मिनिमम वाला को भी इसी तरह ड्रैग कर देंगे, जो पॉइंट है कॉर्नर में उसको खींच देंगे। ये देखो आ गया बच्चों, वेरी इजी। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले हम लोग सेव कर लेते हैं, ये सेव में जाएंगे, डेस्कटॉप में जा करके रिजल्ट नाम से सेव कर दे रहे हैं हम फाइल को।
ये देखो बच्चों सेव हो रहा है, सेव बटन पे क्लिक कर दिया हमने, सेव हो गया फाइल। नाउ अब हम लोगों को करना क्या है, ग्रेड निकालना। तो ग्रेड का पहले आप स्केल, आपको पता होना चाहिए ग्रेडिंग स्केल क्या होता है, कैसे होता है किसी भी स्कूल का। मान लो जनरली हम एक बना रहे हैं कि 90 से 100 अगर होगा तो उसको हम ग्रेड देंगे A1। उसके बाद अगर 80 से 90 होगा तो उसको हम ग्रेड देंगे A2। सिमिलरली अगर 70 से 80 होगा तो उसको देंगे B1। उसके बाद अगर 60 से 70 होगा तो उसको देंगे B2। देख रहे हो बच्चों, B2 लिखना है ना। उसके बाद ये गलत हो गया टाइप, एक मिनट बच्चों अभी ठीक कर देंगे इसको भी। B2 के बाद C1 C2 लिखा गया है, इसको ठीक करना होगा। B 60 से 70 होगा B1 और सॉरी B2 होगा, एंड 50 से 60 होगा तुम्हारा C1, एंड 40 से 50 फिर हमारा क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। वो टाइपिंग मिस्टेक था बच्चों, अब देख लेना ग्रेडिंग स्केल। और लेस देन 40 में हम D कर देते हैं सपोज़। ये आप अपना स्केल में देख लेना कैसे करना है क्या नहीं है, जब रिजल्ट बनाना रहेगा आप लोगों को तब जो क्वेश्चन में रहेगा उस हिसाब से आप सेट कर लेना। और लेस देन अगर 40 रहा तो हम उसको D ग्रेड दे देंगे। ये हमने उसको ग्रेड क्या दे दिया, डी दे दिया। ठीक है बच्चों, अब आएंगे हम लोग ग्रेड वाले पॉइंट पे। यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, इफ़ लिखेंगे। इफ़ के लिए अब हम लोग फार्मूला बार में चले जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हमको लॉन्ग फार्मूला लिखना है इफ़ में, इसलिए आप फार्मूला बार में ध्यान से देखो बच्चों। इक्वल टू इफ़, अब हमको करना क्या होगा कि परसेंटेज वाला जो कॉलम है उसका नाम क्या है, L4 है। तो L4 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहा, 90, तो उसको हम क्या ग्रेड देंगे, A1। डबल कोट्स में क्या लिखेंगे, A1। कॉमा भी देना है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 के बाद कॉमा देना है, फिर A1 डबल कोट्स में, फिर कॉमा इफ़, फिर मेरा अगर L4 अगर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ, 80 हुआ, तो उसको क्या ग्रेड देंगे बच्चों हम लोग, A2 दे देंगे। देखो मैं स्क्रीन में लिख रहा हूँ, ध्यान से बच्चों स्क्रीन को जूम करके आप थोड़ा देखें। A2 दे दिया मैंने। सिमिलरली L4 ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होगा तो उसको हम B1 देंगे। देखो बच्चों हर इफ़ के बाद मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया, हर इफ़ के बाद मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, ध्यान रखना बच्चों। इसको क्लोज भी करना है हम लोगों को। सो काउंट करते रहना कि हाउ मेनी इफ़ आर यूज्ड, नंबर ऑफ इफ़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स। ठीक है बच्चों, फिर अब देखो आप ध्यान से हो रहा है। फिर इफ ए ग्रेटर देन L4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हुआ तो डबल कोट्स में हम लोग लिख देंगे B2। फिर इफ L4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा तो फिर हम लोग देख लेंगे नीचे में क्या है, C1 है, C1 लिख देंगे डबल कोट्स में। कॉमा ब्रैकेट को ध्यान में देख करके लिखना बच्चों, नहीं तो गड़बड़ होता है इस फॉर्मूला को लिखने में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये फार्मूला, थोड़ा ध्यान से आप लिखें, एकदम आई कांटेक्ट बना करके फार्मूला में बार बार चेक भी करते रहें पीछे आपका सही है कि नहीं। ठीक है बच्चों, अब L4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 में हमने क्या दे दिया, C2 दे दिया। और इसके बाद लास्ट में कुछ कंडीशन नहीं, लेस देन 40 में तो उसको हम कॉमा दे के डायरेक्ट D लिख सकते हैं, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है एक्सेल। अब कितना ब्रैकेट है हमारा, देखिए 6 ब्रैकेट हमको लगता है 6 इफ़ का यूज़ हुआ है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग यहाँ पर 6 को ही क्लोज करेंगे, 6 टाइम्स क्लोज करेंगे बच्चों ब्रैकेट को। देखिए ध्यान से बच्चों काउंट कर लो आप लोग कितना ब्रैकेट्स है ना, आपको काउंट कर लेना है कि कितना ब्रैकेट है। देखिए इफ़ के बाद एक ब्रैकेट छूट गया था मेरा, देखिए वहाँ पे मैंने लगाया, मैंने ध्यान से देखा, आप लोग भी ध्यान से देखना। तो
अभी छः ब्रैकेट है तो छः क्लोज होगा, है ना बच्चों। इसको फिर से देखते रहो, ध्यान से देखो कि सब जगह कॉमा डबल कोट्स ब्रैकेट्स है कि नहीं। अब क्लोज कर देते हैं। देखो मैं पाँच कर रहा हूँ बच्चों, देखना ये एरर शो करेगा, पाँच किया मैंने क्लोज, ठीक है ये देखो एरर शो करेगा, इंटर करेंगे तो। ध्यान से देखते रहो बच्चों फॉर्मूला को, ठीक है इंटर प्रेस करके देखते हैं हम लोग क्या होता है। देखिए एरर आ गया, एक ब्रैकेट मैंने कम लिखा इसीलिए एरर आ गया, तो इसको क्लोज कर देना रेड वाला क्रॉस से। अब एक ब्रैकेट बढ़ा दो, फिर तो फॉर्मूला को चेक करो, फिर एक ब्रैकेट क्लोज बंद करो क्योंकि छः बार इफ़ यूज़ हुआ है। तो हम एक ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर प्रेस करेंगे तो मेरा रिज़ल्ट शो कर देगा। ये देखो बच्चों मैंने बंद कर दिया, ध्यान से देखते रहो बच्चों। ठीक है बच्चों फॉर्मूला हम लोग देख लिए हैं पूरा, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से देखते रहो बच्चों फॉर्मूला को, बिग फॉर्मूला है, ब्रैकेट लगा लिए हैं हम लोग, सब कुछ ठीक है ना बच्चों। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटर प्रेस करते हैं। देखिए आ गया, देखो B1 आया ग्रेड, क्यों आया देखो, इसका 70 से 80 के बीच का है, 73.2% है, तो इसको ऑब्वियस से B1 ग्रेड आएगा ही। अब इसको ड्रैग कर दोगे तो सबका आ जाएगा ग्रेड। ये देखो मैं यहाँ पे ड्रैग करके दिखा देता हूँ सबको, है ना, ये 70 से 80 है तो B1 हो गया है। अब इसको ड्रैग कर सकते हो बच्चों तो ड्रैग कर लो आप लोग, ये देखो यहाँ से ड्रैग कर दे रहे हैं हम, ये देखो देखो देख लो बच्चों, ये मैंने ड्रैग कर दिया, जहाँ तक हमको चाहिए वहीं तक लिखेंगे। ये देखो आ गया B1 C1 C2 सबका ग्रेड आ गया जैसे हमने स्केलिंग किया था, है ना। अब हम लोगों को करना क्या है बच्चों, हम थोड़ा फॉर्मेटिंग सीख लेते हैं। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए क्या करना होगा, पहले इस सेल को अपना डेमो पब्लिक स्कूल को पहले अनमर्ज कर लिए और सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर दिए, थोड़ा बोल्ड कर लिए, देख लो है ना, बोल्ड कर लिए। यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन या अल्जेरियन जो भी अच्छा लगे आप अपने हिसाब से स्टाइलिस्ट करा सकते हो अपने एक्सेल के रिजल्ट को। सीरियल नंबर वाला जो पार्ट है उसको पूरे को हम सेलेक्ट कर लिए, इसको बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर दिए, है ना बच्चों। उसके बाद सारे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम बना देते हैं टाइम्स न्यू रोमन में। कैलिब्रियम को नहीं पसंद है तो हम टाइम्स न्यू रोमन कर दिए, यही अच्छा होता है फॉन्ट। देख लो बच्चों ये लुक चेंज हो रहा, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम लोग एक्सेल में। फिर हम ऊपर वाले हेडर पार्ट को मान लो कलर चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड का सेल का कलर कुछ अलग कर देते हैं, ये देखो मैंने कर दिया ऑरेंज कलर। उसके बाद इधर वाले पार्ट को जो नीचे है हमारा डेटा पार्ट उसको हम अलग कलर कर देते हैं, कोई भी जो अच्छा लगे आपको कलर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिख रहा हमारा, अब बॉर्डर सेल का कैसे लाएंगे, तो यहाँ के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे, देखिए स्क्वायर में क्लिक किए, यहाँ ऑल बॉर्डर कर दिया, आ गया बॉर्डर हमारा, अच्छा लग रहा है अब दिखने में, आप भी ऐसे कीजिएगा। अब इसके बाद हेडर वाले पार्ट में भी बॉर्डर लगा देते हैं हम लोग, यहाँ देखिए हेडर पार्ट में टच कर देंगे ऑल बॉर्डर में, ऑल बॉर्डर आ गया, है ना, थिक बॉर्डर मैंने किया सॉरी, थिक कर दिया हमने बॉर्डर, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना। इसके बाद भी हम लोग और भी सेटिंग कर सकते हैं, जैसे ग्रेड वाले पार्ट में इसका अगर मान लो सेल का कलर अलग करना है तो कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा बैकग्राउंड कलर, अलग कलर आप जो अच्छा लगे, हम अपने हिसाब से कर दिए इसमें कलर। ये हो गया कलर, अब इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज अगर करना है बच्चों तो फॉन्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखो फॉन्ट में गए, यहाँ पे जो भी अच्छा लगे कलर जो खिले, ब्लैक तो अच्छा लग रहा, रेड कर देते हैं, रेड थोड़ा अच्छा लगेगा, ये देखो रेड पे हम जा रहे हैं, रेड कर दिया मैंने, दिख रहा है बच्चों आप लोगों को अच्छे से, ये हमारा बन गया है, रेड कलर भी कर दिया मैंने। उसके बाद अगर आप पूरे में चाहे तो सेलेक्ट कर सकते हैं इसको, और सेंटर में कर दिया मैंने सारे डेटा को, देखिए सेंटर में आ गया, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया मैंने। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सेल एंड इट्स फार्मूला।
होप यू लाइक दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों. सब्सक्राइब कर दे चैनल को और लाइक करते रहे. मैं आगे और भी अच्छे फार्मूलाज के साथ आऊँगा. थैंक यू वेरी मच.